यदि आप सीखना चाहते हैं कि ट्विटर का यूज कैसे किया जाता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान में। आज हम लोग जानेंगे कि ट्विटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दोस्तों, ट्विटर पर आपको सभी पॉलिटिशंस, सेलिब्रिटीज़ और कंपनियों की प्रोफाइल्स मिल जाएंगी। आप यहाँ से उन्हें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर से। तो सबसे पहले आप ट्विटर को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। बाद यहाँ पे आप ट्विटर करके सर्च कर लें, इंस्टॉल कर लें आप ट्विटर को। ट्विटर को इंस्टॉल कर लेने के बाद में अब आप ट्विटर को ओपन कर लें। आप जैसे ही ट्विटर को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हुआ। ओके, अब आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दें और यहाँ पे फर्स्ट में अपना नेम टाइप कर लें, जिस भी नेम से आप ट्विटर पर अकाउंट बनाना चाहते हैं। ओके, अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे आप अपने मोबाइल नंबर से भी ट्विटर पर अकाउंट बना सकते हैं और आप अपनी ईमेल आईडी से भी ट्विटर पर अकाउंट बना सकते हैं। ओके, यदि आप मोबाइल नंबर से बनाना चाहते हैं तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर दें, और यदि आप अपनी ईमेल आईडी से बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूज ईमेल इंस्टीट्यूट पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो मैं अपने मोबाइल नंबर से बनाऊँगा तो मोबाइल नंबर टाइप कर लूँगा। और मोबाइल नंबर टाइप कर लेने के बाद में आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और एक बार और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर दें, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आपने जो अभी मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर पे एक कोड आएगा, वो कोड आपको यहाँ पे टाइप करना है। ओके, कोड टाइप कर लेने के बाद में आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आप अपना एक पासवर्ड बना लें, जैसे मान के चलिए आप कभी भी जो है कि ट्विटर को लॉग आउट करेंगे, ट्विटर से लॉग आउट होंगे तो उसके बाद में आप जब भी लॉगिन करेंगे तो आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लें जो कि मिनिमम 6 करेक्टर से ऊपर का होना चाहिए। ओके, अब आप यहाँ पे जैसे ही अपना पासवर्ड टाइप कर लेंगे तो उसके बाद में आपके ये साइड में आपके सामने एक राइट का साइन आएगा, इसका मतलब आपका जो पासवर्ड आपने यहाँ पे टाइप कर किया है वो यहाँ पे चल सकता है। ओके, और यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर लेने के बाद में आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दें। अब आप यहाँ से अपना प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो हम अपना यहाँ से फ़ोटो अपलोड कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप अपना फ़ोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हैं और आपकी गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे चूज़ फ़ोटोज़ पर क्लिक करूँगा। मैं अपनी गैलरी से पहले से फ़ोटो है वो अपलोड करूँगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे अपना एक फ़ोटो चूज़ कर लेने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आप अपने बारे में बायो दे सकते हैं, यानी कि अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप अपने बारे में लिखना चाहते हैं। ओके, और अपने बारे में कुछ भी लिख लेने के बाद में आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पे आप नॉट नाउ पे क्लिक कर दें। अब देखिए यहाँ पे आप आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप स्पोर्ट, न्यूज, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, म्यूजिक में आप हिंदी म्यूजिक पसंद करते हैं, आपका हिंदी म्यूजिक में इंटरेस्ट है या पंजाबी म्यूजिक में, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे चूज़ कर लेने के बाद में आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब देखिए यहाँ पे आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पीयूष गोयल को फॉलो कर सकते हैं, अमित शाह को फॉलो कर सकते हैं। ओके, आप जिनको भी फॉलो करना चाहते हैं यहाँ से फॉलो कर लेने के बाद में आप यहाँ पे ये फॉलो 5 पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे देखिए आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओम का आइकॉन देख सकते हैं आप, इस पर क्लिक करेंगे तो आप कहीं भी हों अपने ओम पे आ जाएंगे। ओके, और नीचे ये साइड में आप सर्च का आइकॉन देख सकते हैं, यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप किसी को भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से नरेंद्र मोदी जी को सर्च करेंगे, नरेंद्र मोदी लिखेंगे हम, ये देखिए फर्स्ट में ही उनका अकाउंट आ चुका है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ से हम उनके सारे ट्वीट देख सकते हैं, उन्होंने कब कब क्या क्या ट्वीट किया ये सब कुछ, और यहाँ से आप उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। आप उन्हें फॉलो करेंगे तो इससे क्या होगा कि वो कुछ भी ट्वीट करेंगे तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है। ओके, तो इस टाइप से आप यहाँ से
किसी को भी सर्च कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे आप नीचे थर्ड नंबर पे ये नोटिफिकेशन का आइकॉन देख सकते हैं। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। आप जिनको फॉलो करते हैं उन्होंने कोई ट्वीट किया है, आपके ट्वीट को लाइक किया है, आपके ट्वीट पे कुछ कमेंट किया है, तो वो सब कुछ यहाँ से आपको शो होगा, ओके। मैसेज का आइकॉन देख सकते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे यदि, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपने किस किस को मैसेज किया है और किस किस ने आपको मैसेज किया है। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं आपको एक प्लस जैसा आइकॉन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कुछ भी ट्वीट कर सकते हैं, जो भी आप ट्वीट करना चाहते हैं, ओके। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेंगे, यहाँ से आप कोई भी फोटो या वीडियो भी अपने ट्वीट में ऐड कर सकते हैं, ओके। और ये टाइप कर लेने के बाद में आप यहाँ पे ट्वीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो भी ट्वीट करना चाहते हैं वो ट्वीट हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे आपको ऊपर अपनी अपना प्रोफाइल आइकॉन दिख रहा होगा, आप यदि इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं आप कितने लोगों को फॉलो कर रहे हैं और कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, ये सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं, ओके। और अब आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपना प्रोफाइल फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, आप अपना कवर फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं, ओके। और यहाँ से आप अपनी बायो, लोकेशन, वेबसाइट, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ओके। और आप चेंज कर लेने के बाद में सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ट्वीट एंड रिप्लाई है, यहाँ से आप जो भी ट्वीट करेंगे या किसी को भी रिप्लाई करेंगे वो यहाँ पे शो होता है। और यहाँ पे आप मीडिया देख सकते हैं, इस पे क्या होता है, आपने जो भी फ़ोटो या वीडियो अपलोड किए हैं वो यहाँ पे शो होंगे, ओके। और यहाँ पे आप लाइक्स देख सकते हैं, आपने जिस जिस की ट्वीट को भी लाइक किया है वो यहाँ पे शो होंगे, ओके। तो इस टाइप से रहता है। अब यहाँ से हम बैक जाएंगे और यहाँ से अब हम सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और अब हम अकाउंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से आप अपना यूजर नेम देख सकते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर, ये सब कुछ एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से रहता है। और आप यहाँ पे नीचे लॉग आउट हो सकते हैं, और आप अपनी अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिसेबल योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप डीएक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा, ओके। तो आप ये सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और इस टाइप से आप ट्विटर को यूज कर सकते हैं। और यदि वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।